हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बनाने वाले हैं गणपति बाप्पा के फेवरेट मोदक, वो है स्टीम मोदक। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश कोकोनट लिए है, तो ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है इसे हमें निकाल लेना है। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है, आपके पास ये फ्रेश नारियल नहीं है, तो आप नारियल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्राउन पार्ट निकाल लिया है, अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। अब हम इन्हें ग्राइंड करना है बिना पानी डाल के, तो यहाँ पे मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। हम नारियल का ब्राउन कलर का पार्ट निकाला था तो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कढ़ाई में मैंने एक टीस्पून घी डाला है, इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ फ्रेश नारियल। इसे मैंने मेजर किया है, तो ये ग्रेट किया हुआ नारियल 2 कप है। तो इसे हम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इसका हमें सिर्फ मॉइस्चर हटाना है, इसका कलर नहीं चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ गुड़ 1 कप, 2 कप नारियल पाउडर है तो 1 कप मैंने गुड़ लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। गुड़ मेल्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। इस स्टेज पे हमें गैस ऑफ कर देना है। सारा गुड़ मेल्ट होने के बाद अगर आप इसे और ज़्यादा पकाएंगे तो ये जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगी। अब हम इसमें जायफल पाउडर डालेंगे, तो जायफल को मैं थोड़ा सा ग्रेट कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक डिश में निकाल के ठंडा होने देंगे। स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक यहाँ पे मैंने दूसरे कढ़ाई में 1.5 कप पानी लिया है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। 1/2 टीस्पून घी डाला है, इसमें हमें पानी में अच्छे से मिक्स करना है। पिंच ऑफ नमक डालना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे भी पानी में मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आता है, तुरंत हमने 1 कप राइस फ्लोर डालना है। इसे दूसरे हाथ से मिक्स करते जाना है। 1 कप राइस फ्लोर तो 1.5 कप हमें पानी डालना है। राइस फ्लोर को पानी में अच्छे से मिलाते जाएंगे। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स होता है, तुरंत हमें गैस ऑफ कर देना है। इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तब तक हम एक डिश को घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें ये जो राइस फ्लोर का मिक्सचर हमने बनाया था, ये इसमें डाल के इसका हमें सॉफ्ट डो बनाना है ताकि डिश को चिपके नहीं, इसलिए हमने डिश को ऑलरेडी घी से ग्रीस कर लिया था। ये मिश्रण हल्का गर्म होना चाहिए, हम छू सके इतना। गर्मा गर्म ही इसका हमें डो बनाना है, सॉफ्ट डो बनाना है। अगर आप इसे ठंडा करेंगे तो इसकी डो अच्छे से नहीं बनेगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर से गूंद देंगे। आप जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट डो बनेगा और मोदक बिल्कुल भी हमारे क्रैक नहीं होंगे। तो ये इसे गूंदना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है, सॉफ्ट डो। यहाँ पे हमने मिश्रण भी निकाल लिया है एक डिश में, मिश्रण भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम यहाँ पे एक मोल्ड में इसे बनाएंगे। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाथ से अच्छे से नहीं बन पाता तो इस तरीके से आप मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड को हमें घी लगाना है ताकि डो चिपके नहीं। इस तरीके से डो डाल के हल्के से उंगली से प्रेस करना है, बीच में हमें कैविटी करनी है ताकि इसमें हम स्टफिंग फील कर सकें। स्टफिंग फिल करके थोड़ा सा डो लेके उसे लॉक कर लेंगे ताकि स्टफिंग बाहर की तरफ ना आ जाए। अब हम करेंगे मोल्ड को ओपन। वाव, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये मोदक। तो इसी तरीके से सारे मोदक रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर हम केसर का एक थ्रेड लगाएंगे ताकि स्टीम होने के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो मोदक रेडी है स्टीम होने के लिए। ऑलरेडी मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम ये डिश रख के 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है केसर का। तो इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स हम घी के डालेंगे। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा ही, खाने में भी टेस्टी लगेगा।
तो ये हमारे डिलीशियस टेस्टी स्वीट बापा के मोदक बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं केसर से कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है। चावल का आटे को बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं और स्टीम होने से मोदक को बहुत ही ज़्यादा शाइन आ गई है। अब मैं आपको एक मोदक पास से भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा स्मूथ बना है। अंदर से भी दिखा देती हूँ, स्टफिंग बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। तो आप इस गणेश चतुर्थी में एक ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।